पिछे पिछे तुरदी आ फेम अजकल आउंदा ए सटारा विच ने अजकल ले ली गाइस 8 बज चुके हैं मन किस किस का मन इंटरव्यू करने का। वैसे तो मैं टाल ही रहा था कि ना लूं, बट चलो दे ही देते हैं यार, बंदे इतनी मान से पूछते हैं फिर दे ही देते हैं। चलो चलिए जिम अपना दिल तो आबारा। तो गाइस किस किस ने गाना ये सुना है, तकता ना 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 तंदूरी नाइट्स, हिमेश रेशमिया का। आजकल आदिवासी हो जा रहे हैं, एडे एडे बाल उग गए उदे। चलो गाइस मिल लिया जिम, गुड गुड कड़ी हुई है, 1 बज गया गाइस, मतलब 12:40 तैयार हो चुके हैं बढ़िया तरीके से, बाल बुल सेट है एंड महाराज ते बस जा रहे हैं हुणी स्टूडियो। 2-4 हैगी हैं मीडिया दे नाल इंटरैक्शन, काइंड ऑफ इंटरव्यूज मैं कह यार कर ही लेते हैं, तो ता ही माधव शर्मा ने आज टोपी टूपी नहीं लाई, बाल बूल सेट करके निकले हैं, तो बाकी देखते हैं जाके क्या सीन होता है। चलते हैं स्टूडियो, इंटरव्यू तो कल आएगी मेरे हिसाब से, लेकिन आपको आज थोड़ी सी हिंट सा कुछ थोड़ा सा सिस्टम सा दिखा देंगे व्लॉग ते, क्योंकि बोलने वाला तो मैं ही है ना मेन, तो जे बोलने वाला नहीं होगा फिर वो इंटरव्यू लेने वाले की करेंगे, समझ रहे हो। चलो मैं तो वाइल्ड कार्ड चाहिए ही है एग्जैक्टली, वेल विश भी आते ही एकदम शुरू हो गए थे अपने अंदाज में। वाइल्ड कार्ड का क्या है ना, वाइल्ड कार्ड तो एक शो के बीच में आता है और वाइल्ड से फर्क क्या आता है क्या, और वाइल्ड कार्ड उसी को भेजा जाता है जो जाके कुछ कर दे, क्योंकि वाइल्ड कार्ड तभी शो पे डाला जाता है जब शो थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जा रहा हो, और फिर वाइल्ड कार्ड डाल के फिर उसको बूम देना। बूम तो सही दिया उसको, आज मैं वही चीजें बोलने लगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप शुरू करो फिर देखते हैं। नहीं तो भी आपकी कुछ बड़ा से निकल जाएगी, चलो रोल करो दोस्तों। आपको बता दूं कि बिग बॉस OTT 3 बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, और बिग बॉस OTT 3 के रिव्यूअर इस वक्त हमारे साथ है माधव जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपको देखते रहता हूँ, पहले भी आपसे बातचीत हुई है जब ये अभिषेक कुमार बिग बॉस के अंदर थे, और काफी ज्यादा सपोर्ट किया था आपने, कई इंटरव्यूज दिए थे, मैं देखा कितने मेहनत आप कर रहे हैं अभिषेक भाई के लिए, तो मैं वहां से शुरुआत करूंगा। अभिषेक के साथ कैसा रिश्ता है, पहली बार कैसे मुलाकात हुई थी, कैसे इंसान है वो, थोड़ा सा वहां से जाने। देखो हमारी मुलाकात हुई थी 2021 में, अच्छा, एंड 2021 में हम मिले, नहीं 2019 में, 21 में फिर दोबारा मिले थे, क्योंकि फिर बीच में उसका 2019 में हम मिले थे, तो मेरी फिल्म का ट्रेलर आया था, तो नॉट अ बिग बजट फिल्म, जैसे एक शुरुआत बंदे की होती है जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं होती, वैसी सी फिल्म थी वो, एंड
एंड हमारी आत्मिका जी हैं जो इस स्टूडियो की ओनर हैं, एंड उन्होंने बोला था कि मैं ग्रुप में डाल दूंगी सारे इन्फ्लुएंसर्स के ग्रुप में जिसको शेयर करना होगा। तो अभिषेक वाज द वन जिसने शेयर करा था, कह रहा यार पंजाब का लड़का है तो मैं आई विल सपोर्ट हिम। तो फिर वहाँ से उसकी दोस्ती हुई, हाय हेलो वहाँ से शुरू हुई, और जो जाके जो यारी हमारी बिल्कुल पक्की हुई वो 2021 में हुई जब उसका वो फेज चल रहा था, उसके बारे में बात नहीं करते हम। एंड फिर उसके बाद बढ़िया हमारी यारी हो गई, एंड जो कुछ भी है मार्केट में बाद में आता है, हमें पता होता है भी क्या करने वाला है कैसे करने वाला है। एंड है भी नहीं हमारा कोई, एक संजोग भाई है अपने आत्मिका तरुण भाई, यही हमारी फैमिली है, यही चार पांच जाने हैं हम जो कि सैटरडे को बैठ के थोड़ा चिल कर लेते हैं, इधर घूम लेते हैं, मॉल चले गए, ये चले गए, हमारा बाहर वाला कुछ ज्यादा सर्कल है नहीं। अभिषेक भाई वाला जो बॉस था काफी हिट था, सुपर हिट था, मुनव्वर फारूकी के घर बने थे, उसके पहले जब अभिषेक भाई अंदर थे तब आपसे बातचीत हुई थी हमारी, उनके गेम के रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो रही थी, तब आपने कहा था कि अभिषेक विनर के हकदार हैं जी, अभिषेक विनर बन सकते हैं क्योंकि उनमें वो क्वालिटी है विनर वाली, एग्रेशन भी है, लुक्स भी है, पर्सनालिटी, ये सारी चीजें हैं। उसके बावजूद भी मुनव्वर फारूकी उस सीजन के विनर बनते हैं, उसके बाद हमने आपसे बात नहीं की थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस पर थोड़ा सा बोले कि क्या। देखो क्वालिटी दोनों में थी तभी दोनों जाने स्टेज पर खड़े थे। मैंने वहां पे इंटरव्यूज में शायद आपके साथ बात करी कि नहीं करी, मैंने अपनी रील्स में भी ये बोला था, वक्त इधर उधर हो जाए तो कोई विनर बन जाए, है ना, लेकिन उम्मीद हमें अभिषेक की पूरी थी, एंड लेकिन वक्त उस दिन मुनव्वर के हक में था, अभिषेक के हक में नहीं था। अगर दो लोग भागेंगे एक तो जीतेगा एक हारेगा, लेकिन बहुत अच्छा सिस्टम है, दुनिया प्यार करा है, अच्छे तरीके से प्यार करा है, दुनिया आपको अपनाए, है ना, आप जो कुछ भी आप अपनी परफॉर्मेंस देते हो दुनिया आपको खुली बाहों से, है ना, प्यार करे, तो वो हो गया। जरूरी नहीं कि आपके पास एक ट्रॉफी होनी चाहिए या दुनिया का प्यार, इंस्टाग्राम पे उसकी 6.5 लाख फॉलोइंग थी और जब घर से बाहर आया 4.2 हो गई, तो विच मीन्स दुनिया ने बहुत प्यार करा है, एंड जहाँ भी आजकल वो जाता है तो दुनिया उसे प्यार करती है और बोलती है कि जिस तरह से तूने गेम खेली है, और मेरे को उसने किस्सा बताया था कि आंटीज जो हैं, जो माएँ हैं, वो रोने भी लगती हैं, भाई तूने कैसे सहा, क्योंकि जिस तरह से उसके साथ वो अंदर चल रहा था बहुत सारी चीजें, है ना, तो वो बड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप और हम उस सिचुएशन में अपने आप को रख के देखें कि हमारी एक्स आ जाए सामने और उसका बॉयफ्रेंड आ जाए, ये हम इस फेज से इसलिए निकल गए क्योंकि हम देख नहीं रहे थे वो कि हमारी एक्स ने क्या करा या, है ना, जो कुछ भी था, लेकिन उसके तो सामने सारा कुछ हो रहा था, वो बंदे का जिगरा तगड़ा, तो वो जो सारा कुछ सह गया, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, ह्यूज रिस्पेक्ट, मतलब अगर एज अ, चलो मेरा भाई है वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एज अ ऑडियंस भी मैं अगर उसको देखता हूँ तो उसके लिए बहुत जिगरा चाहिए भाई, बहुत बड़ा दिल चाहिए वो सब कुछ सहने के लिए। लेकिन बिग बॉस करने के बाद मुनव्वर फारूकी विनर बने, उसके बाद जब आपकी मुलाकात हुई अभिषेक से, ऑफकोर्स हुई होगी, क्या बातें हुई और क्या बदलाव आपने अभिषेक कुमार में देखे बिग बॉस के पहले जो जैसे अभिषेक थे, बिग बॉस के बाद क्या अभिषेक बने आपके हिसाब से? अभिषेक शुरू से ही, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि बिग बॉस से जाने से पहले व्लॉगिंग सिखाने वाला मेरे को वही है, एडिटिंग उसकी सिखाने वाला वही है ना, एंड हर एक बंदे को मोटिवेट करता है कि ये करो वो करो, और मैंने ये देखा बिग बॉस जाने के बाद वो और हम्बल हो गया। इंसान की दो रूप आ सकते हैं, एक तो इंसान बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है, एरोगेंस लेवल बढ़ सकता है, सारा कुछ बढ़ सकता है, और होता भी है, नॉर्मल बात है, लेकिन वो और डाउन टू अर्थ हो गया और बंदों को समझने लग गया और ठहराव आ गया, और ये जो पॉजिटिव चेंज है ये भी किसी किसी में ही आता है, आपको आपने देखा ही होगा, आप क्योंकि फेम मिलने के बाद लोग बदल जाते हैं जी, वो अभिषेक कुमार में आपको नजर नहीं आता थोड़ा, मेरे को हमें तो नहीं आता जी, क्योंकि बहुत चिल काम कंपोज और यू नो हंसने वाला वो बंदे जी, मेरे को भी नहीं नजर आता, मैं नहीं तो हम उसके ज्यादा क्लोज हैं, हम तो पहले बोलते हैं कि भाई तेरे में नजर आ रहा है पब्लिक से आने से पहले तक, लेकिन और डाउन टू अर्थ हो गया, और वो लोग शूट कंप्लीट करके वापस आ चुके हैं। प्रोमो एक आया था जहां पर आसिम रियाज जो है वो भी एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुके हैं, काफी बड़े कंटेस्टेंट रह चुके हैं, बोल सकते हैं सिद्धार्थ शुक्ला वाला जो सीजन था, उनके साथ थोड़ी सी ना बात बहस नजर आई, बात हाथापाई तक भी आई थी हो सकती थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो उन्होंने छुड़ा लिया, काफी एक दूसरे को यू नो बहुत चीजें बोलने लगे, अग्रेशन दिखाने लगे दोनों, तो उस पर आपने देखा वो सारी चीजें भाई? मैं ना एक बात मैंने महसूस करी है
पता नहीं शायद आप लोगों ने करी कि नहीं करी, आसिम में ना जो एक कॉन्फिडेंस होता है बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हर चीज को लेके, वो मेरे को समझ नहीं आया क्यों। वही बात हो गई ना, अब जैसे अभिषेक ने बिग बॉस करा डाउन टू अर्थ हो गया, आसिम भाई ने बिग बॉस करा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। मैं ऐसे नहीं कि मैं उनसे मिला हूँ या कुछ करा है, मैंने इंटरव्यूज देखी, मैंने एक इंटरव्यू देखी थी जिसमें बोला कि नोबडी वॉन्ट्स टू सी खतरों के खिलाड़ी, पीपल वॉन्ट्स टू सी मी। तो मतलब ये तो है ही ना, खतरों के खिलाड़ी तो कब से चल रहा आ रहा है ना, आपके आप जैसे कंटेस्टेंट कई आए कई चले गए हैं ना, एंड वहां पे भी आई एम श्योर जहां पे वो रिफ्ट हुई होगी कुछ वहां पे भी एटीट्यूड वाली बात हुई होगी या कोई एरोगेंस वाली बात हुई होगी। और जब आप कंटेस्टेंट हो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आप किसी का एटीट्यूड नहीं चाहोगे चाहे कोई भी हो। आप मैं कह रहा हूँ शो से पहले आप बहुत अमीर भी हो कोई दिक्कत नहीं, वो आप शो के बाहर हो, जब आप शो पे आ गए आप एक लेवल पे हो, है ना। जब वो लेवल पे आके लेवल की बातें हो फिर वो गलत है, उसने जरूर 100% कुछ ऐसी सी बातें करी होंगी। और अभिषेक आपने भी देखा है एंड बेमतलब पे तो नहीं लड़ता, लेकिन हालांकि बहुत बंदों ने इल्जाम लगाया कि बेमतलब पे लड़ता है फलाना, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि मैं जिस नजरिए से अभिषेक को देखता हूँ ना, मुझे पता है वो क्यों लड़ा होगा, मुझे पता है कि वो कैसी सी वहां बात हुई होगी, क्योंकि हम 21 से लेके 19 से लेके अब तक का बहुत समय होता है, 5-6 साल होते हैं साथ में चिल करना साथ में घूमना, एक इंसान की पर्सनैलिटी पता होती है। Absolutely. जी राइट right. लेकिन आपने कहा कि वो हमें नहीं पता किस बारे में होगी, जहां तक मैंने प्रोमो में देखा है नियति के साथ कुछ बात बहस हो रही थी कि ये ऐसे झुंड मैंने बहुत झेले हैं, फिर उस पर अभिषेक ने रिएक्ट किया, अभिषेक ने बोल सकते हैं एक स्टैंड लिया नियति के थ्रू कि अगर भाई नियति कोई लड़की पे कोई बोल रहा है जोर जबरदस्ती चिल्ला रहा है उसके ऊपर, तब उन्होंने स्टैंड लिया जी। इस पर आप क्या कहेंगे उनका जो स्टैंड लेना? आपके में फिर से एक बात याद आ गई, वो प्रोमो मैंने भी देखा जिसमें वो बोला कि तूने तो बिग बॉस में चाटा है, ले मेरा शूज चाट ले। एंड मैं तो कहता हूँ कि चलो ठीक है, किसी की कोई एक्स नहीं शो में आई, उसका करंट बॉयफ्रेंड नहीं आया, मैं कह रहा हूँ 10 दिन भी कोई बंदा झेल के दिखा दे अपनी एक्स को करंट बॉयफ्रेंड के साथ, और जिसके साथ आपने बेइंतहा मोहब्बत करी हो, चाटना तो बहुत दूर की बात, दुनिया को दूर से ही पकवान सुहाने लगते हैं अच्छे लगते हैं, जिसने बनाया होता है जिसका पसीना गिरा होता है ना उसको ही पता होता है कितनी मेहनत लगी, उसको एक सेकंड में बोल देना कि अच्छा नहीं बनाया बुरा नहीं बनाया खाना, लेकिन जिसने बनाया होता है जिसने मेहनत करी होती है उसे पता होता है। एंड वो चाटने वाली बात भी गलत थी, आपका शो हिट हो गया सुपर हिट हो गया, बिकॉज ऑफ देखो इंसान जब तक जिंदा है वो 50 रुपए का, जब मर गया वो 500-1000 का हो जाता है, ठीक है ना। तो वो शो अब कह लो कि दुनिया सिद्धार्थ शुक्ला भाई चले गए तो उसके बाद भी वो सीजन ज्यादा देखा गया, ठीक है, और तब तो बहुत ही हिट था वो शो, उस टाइम पे बहुत हिट शो था, अब हिट शो के हिस्सा होगा ना। एंड फिर और आपके को कंटेस्टेंट मतलब कह लो कि आपने सीजन 13 करा फिर इसने 17 करा, और आपको वो रिस्पेक्ट एक होनी चाहिए, आपने अगर अच्छा करा है और यार आपने ऐसी होनी चाहिए, और ना भी देखा हो एक बेसिक रिस्पेक्ट तो सारों के लिए होनी चाहिए ना, ये चाटा है फाटा है ये दिस इज आई डोंट मेक सेंस, डजंट मेक सेंस। एंड चाटने से भाई आपको भी पता है बिग बॉस कितने बंदे देख चुका है, कब से सीजन चल रहे हैं, चाटने वाले बंदे कितने एपिसोड रह लेंगे, 4 रह लेंगे, 5 रह लेंगे, 6 रह लेंगे, ज्यादा देर चाटने वाला बंदा नहीं रहता, जिसके खुद के कंटेंट में दम होता है वही अंत तक टिकता है, और अभिषेक टिका है और ये प्रूफ करा है उसने, प्रूफ किया उन्होंने उसे। मैं जब वो बिग बॉस में जा रहे थे तो हमने बातचीत की थी उससे जी, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे जी, बोले भाई मैं जा रहा हूँ वहां पे जीतने के लिए, अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाए, लेकिन जीतने से ज्यादा उन्होंने नाम कमा लिया। इनफैक्ट मुनव्वर फारूकी भी ये यहाँ तक बोलते हैं कि भाई अभिषेक डिजर्विंग थे, अभिषेक ट्रॉफी डिजर्व करते थे, बट मैं जीत गया हूँ, तो उसमें कोई बुराई, ऑफ कोर्स वो जीतता है उसको अच्छा ही लगता है, बट उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर डाल दिया कि भाई अभिषेक बहुत अच्छा किया उन्होंने। मैं भाई वही बात बोलता हूँ, ऐसे नहीं कि दोनों में क्वालिटी नहीं थी जीतने वाली, दोनों में सारा कुछ बराबर था, लेकिन भगवान ने कुछ चीजें अपने हाथ में भी रखी है, वो उसका जो जिस बंदे का जिस समय में जो वक्त चल रहा होगा, चाहे जिसका अच्छा चल रहा है उसकी वाह वाही हो जाएगी, जिसका नहीं चल रहा वो नहीं जीतेगा, यही तो होता है, और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। अच्छा भला रोड तोड़ के ये बंदे बना देंगे, पर जो 200 साल पुराने खड्डे हैं उन्होंने नहीं सही करना, की कर सकते हैं।
रिक्शे वाले खुद गलत आएंगे, खुद गलत आके आपको घूरेंगे। फिर वही गल है ना, किस किस को गुस्सा करें भाई। गड्डी चाहिए इतने रगड गड्डी हो गई हाईलैक्स की, थार तो मैं पसंद ही नहीं, थार तो जमा भी है कम लल्ली कम। जैसे सारों के पास यहाँ वैगनार है वैसे थार है गाइस, मैं थार नहीं पसंद। जिम कर लिया, जिम बढ़िया हो गया, अब चलते हैं घर पे। थक गया हूँ यार, सुबह का 7 बजे का उठा हूँ, थक गया हूँ, समझ रहे हो, थक गया हूँ। मिलते हैं, ला भी बत्ती भी होगी। गुड मॉर्निंग गाइस, आज जिम गए ही। कल क्या हुआ, देखो जिम जाने के लिए ना बॉडी फुली रिकवर्ड होनी बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। तो कल क्या हुआ, कल 7 बजे जिम चला गया, अपने जिम से आके 12 बजे स्टूडियो चला गया, 2-3 इंटरव्यू करी, इंटरव्यू दी दो घंटे की, 1-1 घंटे की शायद। फिर उसके बाद 5 बजे फिर जिम चला गया। करते कराते मुझे, अगर मैं 7 बजे जिम गया हूँ तो मुझे 1 घंटा या 2 घंटे नींद चाहिए दोपहर में, समझ रहे हो। अगर वो नहीं होगी तो फिर कोई पॉइंट नहीं है रिकवर होने का, क्योंकि वेजिटेरियन हूँ तो रिकवर होना बड़ा इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो। तो यही सीन था, मैं अब जिम गया ही नहीं, अभी उठाऊ। रात को 12 बजे सोया था, 12 बजे ही उठाऊ, समझ रहे हो। एंड कल वाले एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरव्यू, तो इंटरव्यू की थोड़ी बहुत झलक मैं डाल दूंगा इसमें, आप भी देख लेना, आप वैसे देख चुके होंगे लेकिन आप भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा कॉन्टेंट है वो। कल मेरे को एक बात बहुत बढ़िया लगी, नेजी, नेजी ने जो स्टैंड लिया है ना अपना, भाई तुम जलते, तुम ये करते वो करते, अरमान को जो चुप कराया ना नेजी ने, मेरे को सबसे बढ़िया लगा यार। रणवीर भाई का बचा बचाया खाना चल स्टोर रूम च, रणवीर भाई के साथ ज्यादा गलत हो रहा है मेरे हिसाब से, समझ रहे हो। तो चलो, बाकी सारे अपडेट्स तो मैंने इंटरव्यू में दे ही दिए, कौन कैसा है, कौन कैसा क्या कर रहा है, बाकी आपको मिलेंगे। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी, सी यू।